हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज दोस्तों मैं आज आपसे एक नया लिक्विड फर्टिलाइजर शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैंने अपने गार्डन में 2 से 3 बार अप्लाई किया है और ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर है। बहुत ही मतलब इसके जो रिजल्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं प्लांट्स के लिए, प्लांट्स फ्लावरिंग के लिए और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है कि एक पॉट में मैंने ये 5 लीटर पानी लिया है। मैंने अपने प्लांट्स के और पॉट के साइज के अकॉर्डिंग इस लिक्विड फर्टिलाइजर को मैं रेडी कर रही हूँ। ये 5 लीटर पानी में मैं सारे सामान ऐड करूंगी और इससे मेरा 1:10 का रेशियो के हिसाब से मेरा लगभग 50 लीटर मेरा लिक्विड फर्टिलाइजर रेडी हो जाएगा, जो मेरे सारे प्लांट्स के लिए सफिशियंट है। क्योंकि मैं इसको जब अप्लाई करूंगी तो मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपको प्लांट और पॉट के साइज के अकॉर्डिंग इसको कैसे यूज करना है। इसके लिए मैंने क्या क्या चीजें यूज की है वो मैं आपको बता दूं और वो मैं अभी आपके सामने वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगी कि मुझे इसमें क्या क्या सामान ऐड करना और उसको किस तरह से मिलाना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी प्लास्टिक के डब्बे या बाल्टी में 5 लीटर पानी ले लें। अगर आप इसको ज्यादा बनाना चाहते हैं तो उस रेशियो के हिसाब से आप इसको बनाएं। अगर आप 2 लीटर ले रहे हैं तो आप उस रेशियो से इस सामान को यूज करेंगे और अगर आप 10 लीटर बनाएंगे तो उस हिसाब से आप इसमें सब सामान को ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको ताजा गाय का गोबर यूज करना है। अगर आप ये फर्टिलाइजर 20 लीटर या 10 लीटर के लिए बना रहे हैं, अगर आप 20 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर रेडी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 किलो गाय का गोबर लेना है। मैंने ये 5 लीटर पानी लिया है तो मैं उस रेशियो से मैंने ये लगभग 250 ग्राम ये ताजा गाय का गोबर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें आपको गाय का गोबर ही इस्तेमाल करना और वो भी ताजा। तो मैंने इसमें ये 250 ग्राम ताजा गाय का गोबर मिला दिया है। इसको मैं इसमें डब्बे में डाल रही हूँ। मैंने 250 ग्राम डाल दिया। अगर आप 10 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर रेडी करना चाहते हैं तो आप उस रेशियो से आपको 1/2 किलो गाय का गोबर चाहिएगा। अब इसमें मैं गौमूत्र का इस्तेमाल कर रही हूँ। गौमूत्र मुझे उसी रेशियो में, जैसे अगर आप 1 किलो गाय का गोबर लेंगे तो आप गौमूत्र 1 लीटर लेंगे, मैंने 250 ग्राम गाय का गोबर लिया इसलिए मैं इसमें ये 250 ml गौमूत्र डालूंगे। और अगर आप 20 लीटर फर्टिलाइजर रेडी करना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से इसको यूज करेंगे। ये 250 ml गौमूत्र हो गया। अब इसमें दोस्तों आपको 2-3 चीजें और ऐड करनी है। ये है बेसन। बेसन को आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर में डालेंगे तो ये बहुत अच्छा फर्मेंटेशन का काम करेगा। साथ ही इसमें आपको जैगरी भी इस्तेमाल करना है। तो ये बेसन मैंने 50 ग्राम लिया। अगर आप ये 20 लीटर फर्टिलाइजर रेडी करेंगे तो बेसन की क्वांटिटी आपकी 200 ग्राम रहेगी और मैं 5 लीटर फर्टिलाइजर बना रही हूँ इसलिए बेसन की क्वांटिटी 50 ग्राम है। उसी तरह मैं इसमें आपको गुड़ लेना है। गुड़ जो काला वाला गुड़ होता है जो सबसे अच्छा होता है। पीला गुड़ आप ना इस्तेमाल करें, काले गुड़ को आप इस्तेमाल करें। गुड़ फर्टिलाइजर में फर्मेंटेशन का काम बहुत तेजी से करता है। तो ये भी 50 ग्राम है, जितना बेसन है उतना ही गुड़ है। इसको आप इसमें तोड़कर डाल दें और साथ ही आप अपने गार्डन की थोड़ी सी मिट्टी, ज़्यादा नहीं आपको इस्तेमाल करनी है, बहुत थोड़ी मिट्टी आप इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 1 मुट्ठी से भी कम मिट्टी ली है ये डालकर, और मैं एक स्टिक की सहायता से इसको मिला दूंगी और इसको आप किसी भी पतले कपड़े से या इसके ऊपर आप ढक्कन लगा के रख दें और सुबह शाम आप इसको रोज चलाते रहें। 3 से 4 दिन में आपका ये फर्टिलाइजर रेडी हो जाएगा। जैसा कि ये अभी सीजन में ये फर्टिलाइजर 4 से 5 दिन में रेडी हो जाता है, विंटर सीजन में इस फर्टिलाइजर को रेडी होने में लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। बस आपको इसको सुबह शाम मिक्स करना है और इसके बाद जब मेरा ये फर्टिलाइजर रेडी हो जाएगा तो मैं इसको कैसे यूज करूँगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर आप यूज करके अगर देखेंगे तो आपको अपने प्लांट्स पे कुछ भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये प्लांट्स के इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है और आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बढ़ाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय। हैप्पी गार्डनिंग।
हेल्दी रहिए और अपने प्लांट्स को भी हेल्दी बनाए रखिए।